दुनिया के कई बड़े देशों को तबाह कर चुका कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यदि बचाव में जरा भी चूक होती है तो इसका खामियाजा पूरे देश को चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,800 के पार हो चुकी है, तो वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी 229 हो गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने भारत को खतरे के निशान पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की ओर से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के अलग अलग जिलों से लिए गए कोरोना वायरस मरीजों के नमूनों और उनकी केस हिस्ट्री की जानकारी में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन काउंसिल की टीम ने 15 फरवरी और 2 अप्रैल के बीच कोविड-19 से संक्रमित 5,911 मरीजों की जांच की। इनमें से 104 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी मरीज 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 52 जिलों से थे। इनमें 40 मरीज ऐसे थे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी इन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की और ना ही इनका संबंध कभी किसी विदेश यात्री से रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन जिलों में इस तरह के मरीज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वहां और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।